सम्मान्य मुकेश जी अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा और जेके टायर के अधिकारी सम्मान्य चोरी जी जो मध्य प्रदेश में फैक्ट्री है, आदरणीय पित्रिया जी जो हमारे समझी भी है, किशन पंडित जी और आप समझी समझी और किशन जी मेरे मित्र हैं, उस नाते से कह रहा हूँ पित्रिया से ही है कि पित्र के रहने वाले हैं। भाई तिवारी जी जो पत्रकार भी हैं और विद्वान तो हैं ही और मेरे अजीज मित्र सम्मानीय डॉक्टर अमरीश पचौरी जी पधारे हुए गणमान्य व्यक्ति सभी के चरणों में दिल की गहराई से नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सभी अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को लांघें और अपना अपने समाज का अपने परिवार का अपनी तहसील का जिले का नाम रोशन भिन्न भिन्न विभागों में करें। ऐसी मंच के माध्यम से मेरी आपको शुभकामनाएं और नव वर्ष की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं इस बात को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति चार बार हारने के बावजूद भी क्या चुनाव जीत सकता है, लेकिन सब ये आपका कमाल है, आपके हृदय कार्यशैली और आपका बढ़पन है कि मुझे 20 वर्ष तक संघर्ष करने दिया। ये आपकी वजह से ही मैंने किया, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अगर आप नजदीकी फाइट नहीं दिलवाते, जैसे बरसों की दूसरे चुनाव में तीसरे तरह चुनाव में मोहन प्रकाश जैसे की जमानत जब्त हो गई, लेकिन मुझे कभी ये एहसास और आभास नहीं होने दिया आपने प्रत्येक चुनाव में कि मैं जीत नहीं सकता था। हमेशा ये लगा मैं जीत सकता था, कोई ना कोई कमी मेरी रही होगी। तो जो 20 वर्ष तक जो हिम्मत और हौसला हो जाए बाड़ी और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो मेरा हमेशा रखा, उसके लिए भी मैं आपको निश्चित तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि कौन से शब्द से आपको धन्यवाद दूं। बंधुओं, चुनाव के परिणाम के बाद पत्रकार बंधु इलेक्ट्रिक मीडिया मेरे सामने आई तो मैंने एक ही बात उनसे कही और वो आप तक शायद आ गई होगी कि समंत्र जो सेतु बांधा था राम सेतु, तो जिसमें वो गिलहरी की जो भूमिका रही है, अगर इतनी भी किसी कार्यकर्ता की किसी मतदाता अगर भूमिका रही है तो उसको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसे, क्योंकि बिना सबके सहयोग से कोई भी कामयाबी नहीं होती। इलेक्शन हो चाहे और कोई चीज हो, सबका सहयोग बहुत जरूरी है और कोई कसर नहीं छोड़ी। और इतना प्रचंड बहुमत दिया, तमाम जनता को लुभाने के बावजूद भी, लोभ देने के बावजूद भी आपने लगभग 27,500 वोटों से जिताया, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और मैं सोचने को मजबूर हो गया कि आखिर इतनी बड़ी जीत की उससे बड़ी जिम्मेदारी मेरी हो गई, इसका निर्वाण यही शुरू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने मन में ये कामना की है कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि जिस मनोभाव से और जिस विश्वास के साथ आपने मुझे जिताया है उसमें 100% नहीं तो काफी हद तक खड़ा होता हूँ। ऐसा लगे कि हमारा निर्णय गलत नहीं रहा, चाहे 20 साल बाद ही से पूरा प्रयत्न करूंगा मैं। मेरी कभी ऐसी शैली नहीं है राजनीति की कि मैं किसी से बदला। मैं मांगरे में
लोग स्वागत कर रहे थे तो वहां मुझे 143 वोट मिले और 450 सामने वाले को मिले। तो वो लोग भी आए तो मैंने उनसे कहा कि 143 मतदाता जो मेरे हैं वो वैसे ही है जैसे जिसने नहीं दिए वो भी मेरे लिए वैसे ही है और मैं कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करता, मैं प्रयास करता हूँ और करूंगा कि जो मेरे विरोध में है उसके काम करके, उसकी समस्याओं का समाधान करके और मैं उसके दिल को जीतूं ताकि भविष्य में मेरा वो विरोध नहीं करे, ये मेरी नीति है। बदले की भावना ठीक है, ये लोग राजनीति में पावर की वजह से आते हैं, पावर नहीं हो तो कौन आए, लेकिन उस पावर का दुरुपयोग नहीं हो साहब। राजनीति है, नहीं पसंद है आपको नहीं बोलती तो उसका तुम तेल निकालोगे क्या, ये नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा काम करिए कि उसकी भावनाएं बदले, उसकी नियत में फर्क आए, उसके विचार मेरे प्रति अच्छे हों, इस तरह के कर्म होने चाहिए और मैं प्रयत्न करूंगा और जो मन से कह रहा हूं वही मेरे मन में है। ये निवेदन कर दूं कि नेतागिरी के भाषण नहीं है कि नेता भाषण दे रहे थे लेकिन दिल में रखते छुपी, ऐसा कदा ही मेरे अंदर नहीं है। जो बात है वो सत्य है और कभी भी पता करने ना कि मैं गलती से झूठ निकल जाए जब आज मैं झूठ नहीं बोलता, कभी कोई काम नहीं कर सकता हूं तो कह दूंगा भाई ये नहीं हो पाएगा, हो जाएगा तो कह दूंगा भाई मैं इसको निश्चित तौर पर कराऊंगा आपके को और इस काम के लिए प्रयत्न करूंगा, ये मेरी भावना रहती है। तो मैं समझ रहा हूं कि जो मनोभाव से आपने मेरे को जिताया है मैं पूरे 5 वर्ष तक प्रयत्न करूंगा कि इसको जितनी भी भरपाई हो करूं। मैं अभी आदरणीय सुरेश जी ने कहा तो मैं मकान 6 वर्ष पहले बनाना चाह रहा था, मेरे मित्र राजेंद्र राठौर ने कहा देख तू मकान मत बनाए, तू लगातार 3 चुनाव हार गया है, मकान बनाएगा तो रह नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं है, अगर तू जनता जिता देती है तो तू जमीन ले ले और मकान बना ली हो, अदरवाइज मैं निश्चित तौर पे 6 वर्ष पहले ही मकान बना लेता। रही बात ये कि 7 बार लगातार राजेंद्र राठौर चुनाव जीता है, मेरा मित्र भी हार गया और कभी चूरू नहीं जाता। दलजीत सिंह जी 4 बार चुनाव बाड़ी की जनता ने जिताए, कभी सर्वतरा नहीं बाड़ी नहीं है। तो ये उदाहरण नहीं है, लेकिन अब चूंकि समय के हिसाब से लोगों की प्रतिनिधियों की कार्यशैली की वजह से ये जनता की मांग आई है, क्योंकि दलजीत सिंह तो भले ही मेरे प्रतिनिधि थे लेकिन ईर्ष्या भाव नहीं था और बदले की भावना नहीं थी, लेकिन राजनीति में कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्हें कोई सोच नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई संघ नहीं है, सोबत इस तरह की नहीं है